हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फिट लाइफ रेजीम। एक अच्छी रात की नींद आपके स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद आपके दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। वास्तव में यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वस्थ भोजन खाना और व्यायाम करना। अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न एनवायरनमेंट और तेजी से आगे बढ़ रहा जीवन नेचुरल स्लीप पैटर्न के साथ इंटरफेयर कर रहा है। जब लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं या रात में केवल 6 घंटे से भी कम सोते हैं तो उन्हें कई बीमारियों का खतरा होता है। इस वीडियो में हम 10 फायदों के बारे में जानेंगे कि कैसे एडिक्वेट स्लीप हेल्दी रहने में मदद करती है। पॉइंट नंबर 10, स्लीप कीप्स योर हार्ट हेल्दी। दिल का दौरा और स्ट्रोक सुबह के समय होने की संभावना अधिक होती है, जो कि ब्लड वेसल्स नींद के संपर्क के तरीके के कारण हो सकता है। नींद की कमी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के बिगड़ने से जुड़ी हुई है, जो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर हैं। अगर आप हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं तो आपका दिल स्वस्थ रहेगा। पॉइंट नंबर 9, स्लीप कैन हेल्प प्रिवेंट कैंसर। क्या आप जानते हैं कि जो लोग देर की शिफ्ट में काम करते हैं उनमें ब्रेस्ट और कोलन कैंसर का खतरा अधिक होता है। रिसर्चर्स का मानना कि लाइट के संपर्क से मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन जो नींद से जागने के चक्र को रेगुलेट करता है को कैंसर से बचाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह ट्यूमर के डेवलपमेंट को रोकता है। सोते समय यह ध्यान रखें कि आपके बेडरूम में अंधेरा हो और बिस्तर पर जाने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करने से बचें, ताकि आपके शरीर को मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करने में मदद मिल सके। पॉइंट नंबर 8, स्लीप रिड्यूसेस स्ट्रेस। जब शरीर में नींद की कमी होती है तो यह तनाव की स्थिति में चला जाता है। शरीर के कार्यों को हाई अलर्ट पर रखा जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और स्ट्रेस में सोना मुश्किल हो जाता है। तनाव के प्रभावों का मुकाबला करने और तेजी से सो जाने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक सीखें। पॉइंट नंबर 7, स्लीप रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। नींद की कमी के कारण स्ट्रेस हॉर्मोन्स शरीर में इन्फ्लेमेशन लेवल को बढ़ाते हैं। सूजन को शरीर के बिगड़ने का कारण माना जाता है। पॉइंट नंबर 6, स्लीप मेक्स यू मोर अलर्ट। एक अच्छी रात की नींद अगले दिन एनर्जेटिक और अलर्ट महसूस कराती है। सारे दिन काम में लगे रहना और अलर्ट रहना न केवल बहुत अच्छा लगता है, बल्कि एक और अच्छी रात की नींद के अवसर को बढ़ाता है। जब रिफ्रेश उठते हैं तो एनर्जी का यूज दिन में काम करने के लिए, एक्टिव थिंग्स करने के लिए और दुनिया के साथ जुड़े रहने के लिए करते हैं। अगली रात आप बेहतर नींद लेंगे और अपने डेली एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेंगे। पॉइंट नंबर 5, स्लीप इम्प्रूव्स योर मेमोरी। रिसर्चर्स ने पाया है कि नींद मेमोरी कंसोलिडेशन प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नींद के दौरान शरीर आराम कर सकता है, लेकिन मस्तिष्क दिन की प्रक्रिया में व्यस्त रहता है, जिससे घटनाओं, सेंसरी इनपुट, भावनाओं और यादों के बीच कनेक्शन बनता है। डीप स्लीप ब्रेन के लिए यादें और लिंक बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, और क्वालिटी स्लीप लेने से चीजों को बेहतर तरीके से याद रखने और प्रोसेस करने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 4, स्लीप में हेल्प यू लूज वेट। रिसर्चर्स ने पाया है कि जो लोग प्रति रात 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें अधिक वजन या मोटापे की संभावना होती है। यह माना जाता है कि नींद की कमी शरीर में हार्मोन के संतुलन को प्रभावित करती है जो भूख को प्रभावित करते हैं। भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन ग्रेलिन और लेक्टिन नींद की कमी से डस्ट्रा पाए गए हैं। यदि आप वेट मेंटेन या लूज करना चाहते हैं तो यह न भूलें कि नियमित रूप से पर्याप्त नींद लेना इक्वेशन का एक बड़ा हिस्सा है। पॉइंट नंबर 3, नैपिंग मेक्स यू स्मार्टर। रात का समय सोने का एकमात्र समय नहीं है। दिन के दौरान नैप लेना कैफीन के मुकाबले एक प्रभावी ताज़ा विकल्प है, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है और आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। जो लोग काम पर झपकी लेते हैं उनमें तनाव का स्तर बहुत कम होता है। नैपिंग से मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शन और मूड में भी सुधार होता है। पॉइंट नंबर 2, स्लीप में रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डिप्रेशन। नींद आपके शरीर के कई केमिकल्स को प्रभावित करती है, जिसमें सेरोटोनिन भी शामिल है। सेरोटोनिन की कमी वाले लोग डिप्रेशन से पीड़ित होने की अधिक संभावना रखते हैं।
आप यह सुनिश्चित करके डिप्रेशन को रोकने में मदद कर सकते हैं कि आपको सही मात्रा में नींद मिल रही है, जो कि प्रत्येक रात 7 से 9 घंटे के बीच होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, स्लीप हेल्प्स द बॉडी रिपेयर इटसेल्फ। नींद आराम करने का एक समय है, लेकिन यह एक ऐसा समय है जिसके दौरान शरीर स्ट्रेस, अल्ट्रावायलेट रेज एंड अदर हार्मफुल एक्सपोजर से होने वाले नुकसान की रिपेयर का काम करता है। सोते समय सेल्स अधिक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिससे उन्हें डैमेज की रिपेयरिंग करने की अनुमति मिलती है। होप सो अब आप यह समझ गए होंगे कि डेली एडिक्वेट स्लीप के कितने फायदे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।